सो हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे भर्ती 2022 के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बड़े स्तर पर आप सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर जो वैकेंसीज रखी गई हैं वो टिकट कलेक्टर के पदों पर वैकेंसीज है, टीटीई और टीसी के पदों पर वैकेंसीज हैं एंड इसी के साथ में दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आप यहां से चेक कर पाएंगे आरआरबी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर रिक्रूटमेंट डाउनलोड आरआरबी टीटीई नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं यहां पर वैकेंसीज की अपडेट के बारे में या फिर जो आपका जो वैकेंसीज का ओवरव्यू है उसके अपडेट के बारे में, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं आरआरबी टीटीई टीसी रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो इंडियन रेलवे की तरफ से वैकेंसीज जो है यहां पर ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है एंड बोर्ड नाम जो आपका यहां पर रहने वाला है वो रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि आरआरसीबी की तरफ से नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रखी गई है वो 5489 पदों के आसपास वैकेंसीज हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, 5489 पद आपके जो है रखे गए हैं। पोस्ट नेम के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो आपकी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर और टिकट कलेक्टर के पदों पर वैकेंसीज है, मतलब कि टीटीई और टीसी के पदों पर वैकेंसीज आपकी रखी गई है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जॉब रहने वाली है तो आपको जो है ये केंद्रीय जॉब रहेगी, आप इनके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है एंड इसी के साथ में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात कर लूँ एप्लीकेशन डेट के बारे में तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन डेट जो आपकी रखी गई है वो इंटरमीडिएट ड्यू कोर्स रखी गई है एंड आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th और 12th पास रखा गया है। एज लिमिट आपकी जो है 18 से 30 साल रखी गई है, मतलब कि मिनिमम 18 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर रहेगा एंड इसी के साथ में दोस्तों, जनरल कैटेगरीज को यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस देनी होगी वो ₹500 एप्लीकेशन फीस देनी होगी और SC ST कैंडिडेट को ₹250 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा करवानी होगी जो कि आपकी रिफंडेबल रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जो है RRB.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी जिस पर जाकर के भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या फिर IndianRailways.gov.in पर जाकर के भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप अपने 10th पास या फिर 12th पास किसी भी बोर्ड किसी भी स्टेट किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आपके पास में 10th पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर 12th पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं और अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंड आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो मिनिमम जो है 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 28 साल और 30 साल एज लिमिट रखी गई है। एंड इसी के साथ में SC ST कैटेगरीज को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी एंड OBC नॉन क्रिमिनलियर कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी। सैलरी आपको यहाँ पर 5200 से 20200 रुपये दी जाएगी, ₹1900 आपका यहाँ पर जो है ग्रेड पे बनने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों, आपकी जो एग्जामिनर की पोस्ट रहेगी ये जो एग्जामिनर के लिए आपको जो है ₹15000 के अराउंड आपकी जो है सैलरी बनेगी और टोटल जो आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है मतलब कि ऑल अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला करके वो ₹36000 पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है जो कि अच्छी खासी सैलरी आपके यहाँ पर रहने वाली है। एंड आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका CBT के आधार पर रहेगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है, देन आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहाँ से आप अपना ऑनलाइन
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के आधार पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके मोबाइल के माध्यम से भर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे कमेंट करने होंगे एंड आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो यहाँ पर भी आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। 12 स्टेप आपको यहाँ पर दी गई है तो ये भी आप यहाँ से जो है ईजिली चेक कर पाएंगे और अपना इसको देख करके अपना फॉर्म ईजिली सबमिट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपने जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो चेक कर सकते हैं। जो आपका सीबीटी रहेगा उसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। एंड इसी के साथ में मैथमेटिक्स मतलब कि गणित से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका जो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहने वाले और 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। एंड इसी के साथ में जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, 100 नंबर 100 मार्क का रहेगा और प्रत्येक सही आंसर का जो है एक नंबर आपको दिया जाएगा और गलत आंसर करने पर आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी जो कि 0.25 रहने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसे लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।